1800 11 4000, यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजनीति और ग्लैमर, उसके बाद अब बात आती है क्रिकेट की। टीम इंडिया में स्टाइल की बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम आएगा हरभजन सिंह का। कुछ अलग स्टाइल है इस खिलाड़ी का। क्रिकेट मैदान पर खेलने का स्टाइल, मैदान में उछल कूद करने का स्टाइल, विवादों में रहने की स्टाइल और फिर उससे उबरने की स्टाइल। एक रियलिटी शो में रावण के वेश में मोना सिंह के साथ भज्जी ने ठुमके तो लगा दिए, लेकिन विवाद में फंस गए भज्जी। बाल खोलकर रैंप वॉक करने का मामला हो या फिर सुशांत को मारे गए थप्पड़ की गूंज, हर बार उनकी आलोचना हुई। उनकी ब्रांड वैल्यू भी बनी। भज्जी मैदान में बेहद आक्रामक रहते हैं। पॉन्टिंग, हेडन और साइमंड से तकरार हो या फिर कोई और मामला, सुर्खियों में रहना और अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाना खूब आता है भज्जी को। भज्जी के बाद नंबर आता है टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का, जो 2020 विश्व कप को जीतने के बाद बन गए एक बहुत बड़े ब्रांड। लेकिन इसके अलावा कभी अपने बड़े बालों को दिखाकर शैंपू बेच देते हैं तो कभी सड़कों पर बाइक दौड़ाकर लोगों को अपना दीवाना बना लेते हैं। मैदान में बेहद शांत दिखने वाले ये खिलाड़ी कहीं बाद में पहुंचते हैं, मीडिया के कैमरे उनका पीछा करते हैं तो पहले पहुंच जाते हैं। इस वक्त भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड यही खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी। कभी वो बाइक पर निकलते हैं तो खबर बन जाती है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को पता है कैसे वो सुर्खियों में रहेंगे, कैसे वो अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं। हमारे साथ श्रीराम जी मौजूद हैं, जिनसे हम तमाम चीजों पर चर्चा करें। श्रीराम जी, हमने राजनीति से शुरू करी ब्रांडिंग की बात, उसके बाद ग्लैमर की बात आती है, उसके बाद आती है क्रिकेट की बात आती है, तमाम चीजों में बात आती है। लेकिन बाजार से ज्यादा आप लगता है कि लोग अपनी ब्रांड बिल्डिंग में लगे हैं, चाहे हम शिल्पा शेट्टी की बात कर लें, राखी सावंत की बात कर लें, ऐसा लगता है इन लोगों ने तो पक्का एक पीआर एजेंसी हायर की है कि तमाम चीजें इन्हें पता है कि अगर राखी सावंत किसी शो में चिल्लाएगी तो वो खबर बनेगी। देखिए, जितने लोग हैं इनके पीछे कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो क्रिकेट के स्टार्स हैं, इन्होंने अनुबंध किया हुआ है पीआर कंपनी से, जिनका काम है इनका ब्रांड नेम बेचकर उनसे पैसे का अनुबंध लेना, वो एक परसेंटेज लेते हैं उसमें। और जो जो ग्लैमर वर्ल्ड के लोग हैं उनके पीछे भी एजेंट्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो इनकी इमेज को मैनेज करते हैं। राजनेताओं के पीछे कौन है आपसे? इनके पीछे तो इनके पॉलिटिकल जो प्रॉपर्टी को मैनेज करने वाले फुल टाइम मैनेजर्स हैं। आप बीजेपी में संघ के प्रचारक हैं, कांग्रेस में फुल टाइम वर्कर्स हैं, जो 20-30 साल से अपना कोई काम ही नहीं करते, उनका काम ही पॉलिटिक्स है। और आप बाकी अब जिन पार्टीज की बात कर रही है, शिवसेना के अपने मैनेजर हैं, ममता बनर्जी के अपने मैनेजर हैं, मुलायम सिंह यादव जी के अपने मैनेजर हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी के पास मैनेजर हैं। और उसी तरह वो नई टेक्निक्स को यूज करके समय समय पर अब क्योंकि अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो फुल फ्लेश्ड रिसर्च कंपनीज हैं, जिनका काम ही पॉलिटिकल रिसर्च करके ब्रांड बिल्डिंग करना है। श्रीराम जी, या यूं कहें कि अब केवल राजनीति से नहीं, अब मार्केटिंग के लोग जो मार्केटिंग गुरु हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं या ब्रांड गुरु हैं, वो अब जरूरत बन गए। देखिए, इसलिए क्योंकि इलेक्शन महंगे हो गए हैं, या इलेक्शन के साथ साइज बड़ा हो गया है, अब मीडियम बदल गए हैं, अब टेलीविजन आ गया है, अब रेडियो आ गया है, इंटरनेट आ गया है, तो ये नई टेक्नोलॉजीज को राजनीतिक कैनवसिंग के लिए, पॉलिटिकल आइडियाज को, और देखिए आज की ताजा ये सारे एक्टिविटी क्यों पॉलिटिकल पार्टीज की ज्यादा तेज हो गई है। अगर आग लग रही है बंबई में या सिंगूर में हुआ जो मामला, और या जो बटला हाउस में हुआ, और राजनीतिक नेता रोटियां सेक रहे हैं, क्यों सेक रहे हैं? क्योंकि अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं जनरल इलेक्शन, और ये वोट पर नजर डाल के पैसे दिखा रहे हैं वोट लेने के लिए। बिल्कुल, ये तो बात हो रही राजनीता की। और ग्लैमर वर्ल्ड जानता है कि अब केवल एक्टिंग से या अपने आप को एक अच्छा डांस करके एक्टिंग करके, देखिए एक एक्टर एक जिसको 10,000 रुपए एक शो के मिलते थे, वो 1 करोड़ रुपया चाहती है, तो 1 करोड़ कब मिलेगा? वो तब प्रोड्यूसर उसको 1 करोड़ रुपए देंगे जब किसका करोड़ों लोग उसका नाम सुनते ही उत्सुक हो जाएंगे, क्या हो रहा है देखें, टिकट खरीदा सिनेमा के लिए, तो ब्रांडमेंट हो जाएगा अपने आप। तो शिल्पा शेट्टी का जहां आप जिक्र कर रहे हैं, जब शिल्पा शेट्टी किसी फिल्म में या प्रोग्राम में जाती है तो फ्री में थोड़ी ना जाती है, ये तो लोग फीता काटने के भी पैसे लेते हैं, नाचने के भी पैसे लेते हैं। शाहरुख खान ने खुद कहा था कि मैं अगर आईपीएल में मैं पैसे हार जाऊंगा तो एक दो शादियों में नाच के पैसा कमा लूंगा,
तो ये शादियों में भी जब डालते हैं तो पैसा कमाते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें क्रिकेटरों की ब्रांड बिल्डिंग की, तो जब अब बीसीसीआई जैसी बड़ी कंपनीज लगातार अपनी ब्रांड बिल्डिंग में लगी हैं, तो अब खिलाड़ी भी अपनी ब्रांड बिल्डिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा नाम होगा टीम में ज्यादा दिन टिके रहेगा। जब किसी का नाम होता है तो वो खुद अपना नाम बेच नहीं पाता है, बेचने के लिए और खरीदने के लिए कंपनीज है बाजार में, प्रोफेशनल एजेंसीज हैं जो सेलिब्रिटीज के नामों को मैनेज करती हैं, उनको ठेके दिलवाती हैं और उसका कमीशन लेती हैं। 100 करोड़ रुपया यदि एक सेलिब्रिटी कमाएगा तो 15 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया वो कमाएंगे, तो उनके पास फुल टाइम मैनेजर हैं जो एक एक 2-2 लाख रुपया महीना तनख्वाह लेते हैं इस काम के लिए। हमें कहना होगा कि जितनी भी बयानबाजी होती है या जितनी भी हरकतें, चाहे वो राजनेताओं की तरफ से हो, चाहे वो ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ से हो या फिर वो क्रिकेटर की तरफ से, देखिए प्लान, देखिए ऐसा है, ये तो क्लियर है कि सेलिब्रिटीज की जो क्रिकेट स्पोर्ट से आ रहे हैं उनके जो अनुबंध है वो कंपनीज, तो जो कंपनीज है वो प्लान करती है और अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर पैसा मैक्सिमाइज करती है अपने लिए भी और सेलिब्रिटी के लिए भी। स्पोर्ट्स में हुआ है ये, फिल्म्स में हुआ है ये। अब सवाल यह है कि क्या हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कर रही हैं? तो ये बात सर्वमान्य है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जगह जगह पर सर्वे करवा के देखने की कोशिश की है कि कौन से कैंडिडेट्स भारी हैं, कौन से कमजोर हैं, ताकि टिकट बांटने के समय वो इस जानकारी का इस्तेमाल करें। अब जो छुटपुल्ला पार्टीज हैं, सिंगल डिजिट वोट शेयर जिनका है, जैसे कि शिवसेना का वोट शेयर सिंगल डिजिट, वो अपने तरीके से अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में वोट शेयर बढ़ाने के लिए करती हैं। बिल्कुल श्रीराम जी, कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो गई कि अब ब्रांड बिल्डिंग का जमाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। तो बहरहाल हम तो इतना ही कहेंगे कि अगर आप कहीं कोई नेताजी कुछ बोले या फिर किसी हीरोइन की किसी बात का कुछ चर्चा हो जाए या फिर कोई क्रिकेटर अपने बाल छोटे या बड़े करवा ले, तो घबराइए मत, परेशान भी मत होइए भैया, अगर जीना है तो ब्रांड तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड का जमाना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।